अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातु। भाई मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ, मेरा नाम खैरुल भाई है। मैं डॉक्टर इमरान खान साहब का कबूतर जी जान चैनल हर टाइम देखता रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका बात सुनने का। उनका कबूतर का बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज है, बहुत ही अच्छा अच्छा बात करता है कबूतर के लिए। बहुत आदमी उनको फॉलो करके बढ़िया कबूतर का नौसेल भी बनाया, यूट्यूब पे भी देखा था। मैं अपना दुख का बात क्या बोलूँगा, मैं सारा इंडिया का सब इंडिया का आदमी का सबसे मैं गुजारिश करता हूँ भाई, जो इमरान खान साहब जो एक तो मुहिम चलाया है, समझ लीजिए घर घर नस्ल बनाए, तो सबको सबका संग में जोड़ने होगा, उनका मदद करने होगा। सब मिलकर अगर कुछ 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 करके अगर मदद हो करिएगा बा उनका सपोर्ट करिएगा, तब तक तो पूरा इंडिया में सब घर घर नस्ल हो जाएगा। पूरा इंडिया अगर कबूतर उड़ाने सकेगा, सब भाई अगर कबूतर उड़ाने सकेगा तो बहुत अच्छा होगा ना, अच्छा लगेगा। वो बात करता है जैसे मैं अपने ही बात करता हूँ, समझ लीजिए मेरा 48 साल उम्र है, मैं कभी भी समझ लीजिए सुबह से लेके शाम तक कबूतर उड़ाने नहीं सका। अरे कभी भी कबूतर खरीद के लेता हूँ, कभी उस्ताद के पास जाता हूँ जिसका कबूतर उठता है, उसको बोलता हूँ एक जोड़ी कबूतर जो इधर घुमा फिरा के ज्यादा पैसा दे, 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए का जोड़ी ले लेता है। इधर उधर कबूतर आधा घंटा 20 मिनट कबूतर उठता है, तो इसे करके समझ लीजिए फिर कबूतर नहीं उठता, हम लोग बाजार में बिक्री करता है। मैं तो ये झूठ बात बोलने नहीं सकता हूँ, मैं हज किया हुआ है, मैं हज किया हुआ, मैं तो झूठ बात बोल के जब फलो उस्ताद का कबूतर आए लो भाई 5 हजार ले लो 4 हजार ले लो बहुत उठता है, मैं तो ये बात बोल के कबूतर बेचने, यहाँ मैं बेच के अपना पैसा रिकवर कर लूंगा, लेकिन अल्लाह को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। ये धोखाधड़ी तो नहीं करना चाहिए, जो लोग करता है बहुत गलत काम करता है। हाँ तब भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ और सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, इमरान खान साहब का थोड़ा आप लोग फॉलो करिए, बा सब समझ लीजिए उनका सहयोगिता करिए, जैसे समझ लीजिए घर घर नस्ल बनाए, सब आदमी मिलजुल के अगर कबूतर उड़ाए तो बहुत अच्छा रहता है। समझ लीजिए कब कंप्यूटर जो कोई भी है, जैसे समझ लीजिए इससे आगे मैं यूट्यूब में एक भुटिया देखा, उसके सुरेंद्र सिंह बोल के है जो मेरा का इंडिया से है, वो समझ लीजिए वर्ल्ड चैंपियन हुआ है, वो अपना कबूतर यूट्यूब पे दिखा रहा था, बढ़िया बात है, बहुत अच्छा है, अपना इंडिया का समझ लीजिए नाम रोशन किया है, अच्छा बात है। लेकिन उनसे भी मेरा गुजारिश है जिस आदमी के पास में कबूतर नहीं है उनको भी कुछ मदद कर दिया करिए भाई, जब कम से कम आदमी वो भी कबूतर उड़ाए, फर्स्ट जीत फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी होता है, कोई भी हो जाए, लेकिन सब अगर कबूतर उड़ाने का समझ लीजिए शौक पूरा था, आदमी का भी शौक लगता है ये कबूतर उड़ाएगा, लेकिन हम लोग का देखिए ना कबूतर कभी आधा घंटा से 20 मिनट से ज्यादा कबूतर उठता नहीं है। हम लोग तो उतना कबूतर का बारे में भाई नॉलेज नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है जो कबूतर हम लोग उड़ा लेगा, तो जाता है बाजार से भी इधर उधर देख के लाता है, जोड़ी ठीक से करने नहीं सकता। अभी समझ लीजिए थोड़ा बहुत भाई इमरान भाई को मैं फॉलो करता हूँ, देखता है अगर अल्लाह अगर दिमाग का अंदर कुछ घुसा देगा तब समझ लीजिए कुछ अगर नॉलेज बढ़ेगा तो हम लोग आगे कबूतर कर सकते हो, देखेंगे वो बात का बात है, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। हाँ तो इमरान भाई जो घर घर नस्ल के बारे में बात करता है बहुत अच्छा बात करता है, बहुत अच्छा काम भी करता है, बहुत आदमी उनको फॉलो करके यूट्यूब में कबूतर यूट्यूब में कपड़ा सैमसंग का कबूतर उड़ा रहा, यूट्यूब में छोड़ रहा, माशाल्लाह उन लोगों का कबूतर भी उड़ रहा देख रहा है, बहुत अच्छा लगता है। वो भाई वही भाई लोग के भी मेरा गुजारिश है भाई, आप भी किसी का मदद कर दिया करिए, तब समझ लीजिए सब पूरा इंडिया अगर कबूतर उड़ाने सकेगा तब तो अच्छा लगेगा। नहीं आप अगर एक तो इलाका में एक तो गांव में अगर आप अकेला उड़ाएगा बाकी सब उड़ाने नहीं पाएगा तब तो मजा नहीं, आप किससे कंपटीशन करिएगा, जब आपका कंपटीशन वाला कोई रहेगा नहीं, आपका सामने वो शाम तक कबूतर उतरेगा किसी का आधा घंटा समझ लिया 6 बजे उड़ा 6:30 बजे बैठ गया तो वो तो आपको भी मजा नहीं आएगा। तो भाई सब मिलजुल के समझ लीजिए इमरान भाई का जो मुहिम जो है
हम लोग सब मिलजुल के अगर पूरा करने चाहेगा बहुत अच्छा रहेगा, घर घर साफ पूरा इंडिया अगर कबूतर उड़ाना चाहेगा अच्छा रहेगा। भाई देखिए वर्ल्ड कप फुटबॉल खेल होता है तो हर देश क्वालिफाई करता है, 32 तो टीम चुन के जाता है, लेकिन 32 तो जो टीम चुन के जाता है सब एक दूसरों को हराने के हिम्मत रखता है। विश्व चैंपियन एक ही आदमी को ही होता है, लेकिन सबको हिम्मत रहता है किसी को कोई हराएगा। लेकिन देखिए वहाँ पे भी समझिए लाख फेवर करता है, कोई जीतता हारता है तो सब अगर उड़ाएगा तब तो मजा आएगा, नहीं क्या अकेला खाली उड़ाएगा और कोई उड़ाना नहीं चाहेगा कबूतर, ये बात सही नहीं है। तब भी बहुत उस्ताद लोग इधर उधर करके रोजगार रुचि रोजगार करता है कबूतर आदमी को, समझिए धोखा देके। ऐसे आदमी को रुचि रोजगार करना नहीं चाहिए। मैं 15,000 रुपया का नौकरी करता हूँ, बहुत आराम में सुख में रहता हूँ, अल्लाह का दुआ से फजल से सब ठीक है, मेरा घर चलने में कोई तकलीफ भी नहीं है। आदमी मेहनत करने से, समझ लीजिए मेहनत अगर आदमी करेगा तो रुजी रोजगार अल्लाह ताला देगा, कम बेसी तो अल्लाह का हाथ में है। लेकिन ऐसे झूठा झूठ बात बोल के आदमी को ठगा के आदमी को धोखा दे के रोजगार करता है, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। लेकिन बहुत आदमी करता है और उनका सोच ऐसी है जो ऐसे अगर करेगा उसके पास नजर चलेगा वो कबूतर उड़ा लेगा तब हमारा रुजी रोजगार बंद हो, उसका सोच ही ऐसा है, उस सोच में पड़ा हुआ है। लेकिन दिखता नहीं है जब मरने का बाद में ऊपर वाला को क्या मुंह दिखाएगा, ये उसको देखने का ही नहीं है। और कबूतर ऐसे एक जानवर है, इतना शांति और इतना खूबसूरत है, दुनिया का सबसे खूबसूरत अगर जानवर है तो कबूतर है। कभी भी कोई विश्व कप फुटबॉल खेल होता है तो कबूतर उड़ाया जाता है, कभी समझ लीजिए ओलंपिक खेल होता है उसमें भी कबूतर को उड़ाया जाता है, कभी भी समझ लीजिए कॉमनवेल्थ का खेल होता है उसमें भी कबूतर उड़ाया जाता है, एशियन गेम में भी खेल होता है तब भी कबूतर उड़ा के उद्बोधन करता है। तब इतना अच्छा चीज कह रहे इसी को लेके आदमी धोखाबाजी चीटिंगबाजी बेईमानी करता है, आदमी के पास में पैसा ऐड लेता है लेकिन उसको उसका उस हिसाब से जानवर नहीं देता, ये बात गलत बात है भाई। ये जो लोग भी वही करता है ये बात मत, ये सब काम मत करिए। हम लोग का समझ लीजिए दिल ही उठ गया कबूतर पालने में शौक दे, तब भी समझ लीजिए मैं तो छोड़ ही दिया था कबूतर, हम चलो चलो और ये नहीं करेगा। लेकिन एक दिन यूट्यूब देखते देखते इमरान खान साहब का वीडियो देखा, उनका बात देखा, वो कबूतर जो लोग चिटिंगबाजी उस्ताद लोग को चिंदी चोर जैसे बोलता है अच्छा अच्छा बात बोलता है, तब मैं बोला चलो हम तब से मैं उनको फॉलो करता हूँ तो उनका वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है उनका बात, सही बात बोलता है। मतलब चलो एक आदमी तो है कम से कम बात करता है, हम लोग वैसे अनपढ़ आदमी जो कुछ जानता नहीं है उन लोग के लिए बात करता है, फिर वही हिसाब से मतलब शौक लगा है कबूतर। लेकिन अभी देखता है इंतजार करता है, अल्लाह अगर कभी हमको कहीं अच्छा कबूतर मिल जाए। और आप लोग से भाई पूरा इंडिया का आदमी से गुजारिश है भाई इमरान खान को, इमरान खान साहब को थोड़ा फॉलो करिए, उनका घर घर नस्ल जो बात है आप लोग उसको थोड़ा से मदद करिए तो अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।